4 साल की उम्र में पिता की हत्या देखी, 18 साल बाद पूर्व उप सरपंच की हत्या कर लिया बदला। आपको बता दें, उदयपुर जिले के सलाड़ा सराड़ा में रविवार को हुई पूर्व उप सरपंच चंदन सिंह की हत्या ने दो परिवारों के बीच 18 साल से चल रहे खूनी संघर्ष से भी पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने जब पूर्व उप सरपंच की हत्या के आरोपियों को पकड़ा तो आरोपी ने बताया कि उसने 4 साल की उम्र में पिता की हत्या देखी, वह 18 साल बदले की भावना में जलता रहा है और अब जब वह बड़ा हुआ तो उसने चंदन सिंह की हत्या कर बदला ले लिया। सराड़ा DSP राजेंद्र जैन ने बताया कि मुख्य आरोपी सलाड़ा निवासी विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ VP सिंह और उसके साथ दो को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में सहभागी रहे एक अपचारी को डिटेन किया गया है। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी VP सिंह ने बताया कि वर्ष 2004 में सलाड़ा पूर्व उप सरपंच चंदन सिंह और VP सिंह के पिता खुमार सिंह के बीच बोलचाल व लड़ाई झगड़ा हुआ, तब खुमार सिंह ने चंदन सिंह और उसके भाइयों पर जामलेवा हमला कर चंदन सिंह के हाथ पैर तोड़ दिए थे, जिसका थाने में 167/2004 मामला दर्ज हुआ। इस हमले का बदला लेने के लिए चंदन सिंह ने 2006 में अपने साथी के साथ मिलकर खुमार सिंह को तलवार से हत्या कर दी, जिसका थाना सराड़ा में 89/2006 केस दर्ज हुआ था। उस समय खुमार सिंह का बेटा VP सिंह महज 4 साल का था। जैसे जैसे VP सिंह बड़ा हुआ, उसने चंदन सिंह से बदला लेने की भावना बढ़ती गई। दोनों परिवारों में 18 साल से चल रही रंजिश और बदले की भावना में 4 मार्च को हुई घटना ने चिंगारी का काम किया। 4 मार्च को VP सिंह कांटे की बाड़ ठीक कर रहा था, तभी वहां से गुजरते हुए चंदन सिंह ने VP सिंह को कहा कि कांटे क्यों डाल रहा है, हटा ले, नहीं तो तेरे बाप की तरह तुझे भी उड़ा दूंगा। इस बात पर VP सिंह को गुस्सा आ गया और उसने अपने पिता की हत्या व खुद के अपमान का बदला लेने के लिए चंदन सिंह को मारने का प्लान बनाया। सराड़ा थानेदार अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपी VP सिंह सलाड़ा का रहने वाला है और मृतक चंदन सिंह खेतावतवाड़ा का रहने वाला है। खेतावतवाड़ा से सलाड़ा के लिए आने जाने वाले रास्ते पर ही VP सिंह का बाड़ा है। VP सिंह ने घर पर रखी तलवार बाड़े में लाकर रख दी। 5 मार्च को चंदन सिंह को मारने के लिए इंतजार किया, लेकिन उस दिन वह नहीं आया। दूसरे दिन 6 मार्च को VP सिंह फिर चंदन सिंह का इंतजार करने लगा। सुबह 8 बजे चंदन सिंह निकला, लेकिन तब वह पत्नी के साथ था, तो VP सिंह ने हमला नहीं किया और चंदन सिंह के अकेले आने का इंतजार करने लगा। 6 मार्च को ही चंदन सिंह दोबारा उसी रास्ते से गुजरा तो VP सिंह ने उसे रोका और तलवार से वार कर उसके हाथ और गर्दन काट कर निर्मम हत्या कर दी।